केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी का उनके गृह जनपद गोरखपुर में आगमन पर एक सम्मान समारोह का आयोजन बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बड़े ही जोश खरोश के साथ नवनियुक्त केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ग्रामीण विधायक बिपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, महिला मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी और सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा तथा पार्टी और संगठन को उच्च स्थान पर पहुंचाने का भी कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, महाराजगंज से
लगातार 6 बार सांसद चुने गए, पंकज जी की कर्मस्थली महाराजगंज है और छठवीं बार वो देश की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप में तीनों जनपदों में सबसे अधिक स्वागत अभिनंदन महाराजगंज की धरती पर हुआ है। लेकिन पूरे दुनिया में स्वागत हो जाए और अपने घर का स्वागत का आनंद कुछ और ही होता है, और इसलिए मैं आज गोरखपुर की इस नगरी में शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर अत्यंत सहज और सरल स्वभाव के धनी भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का आप सबकी तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय विष्णु सिंह जी, नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर देहात के विधायक विपिन सिंह जी, महाराजगंज के विधायक जालेन्द्र सिंह जी, सदर विधायक जयमंगल करमजिया जी, महाराजगंज के जिले के महामंत्री ऋषि त्रिपाठी जी और हमारे पुराने साथी, पुराने साथ हम लोग काम किए हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आदरणीय प्रसुदन जैन जी, देवेंद्र पाल जी, संचालक हमारे अस्पताल में साहिद जी, राम जीवन मौर्य जी, सत्येंद्र सिन्हा जी, सम्मानित बस्ती साहिब जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी मंडल के अध्यक्षगण, सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, धर्मेंद्र जी ने जो कहा है कि पूरे दुनिया में स्वागत हो जाए और घर में स्वागत ना हो तो कभी पूरी नहीं हो सकता। लेकिन मेरा जन्मभूमि गोरखपुर ही है और राजनीति का भी जन्मभूमि की शुरुआत गोरखपुर से ही है। अब जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि धैर्य, उसकी बात मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं हो सकता। आपको अपना कर्म करना चाहिए और निश्चित तौर से जब समय आएगा तो आपको फल मिल जाएगा। नवासी में मैं सदस्य या तो फिर वो हट जाता है, लेकिन मैं पहली बार इलेक्टेड पर्सन को मैं स्टेट रख कर लाया और जो 7 साल का मेरा संघर्ष था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के निगाह में मैं आ गया, क्योंकि अगर मैं सीटी में उस समय बन जाता तो मुझे लगता है कि आज भी मैं नगर पालिका का ही राजनीति करता रहता। लेकिन जो 7 महीने का मेरा संघर्ष था, पार्टी ने देखा, मुझे कहा गया कि नहीं साहब आप लोकसभा लड़िए, उस समय डाक साहब संगठन मंत्री थे ना, मुझको बुला के जब कहे कि आपको लोकसभा लड़ना है, अब सभासद का चुनाव लड़के और सीधे लोकसभा, वो भी महाराजगंज जो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है ना, मेरा रिश्तेदारियाँ है, तो मैं डाक साहब से हाथ जोड़ लिया कि साहब डाक साहब मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा, कोई विधानसभा लड़ा दीजिए, कहने लड़ना है लोकसभा। उनका अपना मूल्यांकन था, उनका अपना तजुर्बा था, हम 3 महीने बाद जाके हाँ कर पाए, हाँ किए कि ठीक है डॉक्टर साहब लड़ेंगे, क्योंकि भैया हमारे कहे कि चुनाव लड़ो, राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे रही है, हारे में तो क्या हुआ, 1-1.5 लाख भी उठ पाएंगे तो भी एक राष्ट्रीय पार्टी में नियुक्ति हो जाएगी और लड़ो देखा जाएगा, और लड़े आप लोग के आशीर्वाद सहयोग से मैं चुनाव जीता। फिर अपने कर्मों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर लगातार 3 बार जीता, चौथी बार 7,000 वोट से मैं लूज किया, फिर 5वां जीता, 6वां जीता। लेकिन धर्मेंद्र जी अभी जो कह रहे थे, मैंने कभी अपेक्षा नहीं पाया, लगातार एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह कार्य करता रहा,
और सांसद बनने के बाद भी महाराजगंज के कार्यकर्ताओं को मैं नेता बन के कहीं उनसे नहीं मिला। आज मैं भारत सरकार का वित्त मंत्री बने गया हूं, लेकिन आप देखिएगा मेरे कार्यशैली से कि मेरा वो कार्यकर्ता भाव जो मेरे मन में है वो तो कार्यकर्ताओं के प्रति कहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे है। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा एक प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जो 18 तारीख को लोकसभा बैठा और नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, हर मंत्रिमंडल का विस्तार जब होता है तो सदन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री पूरे सदन का परिचय मंत्रियों से कराते हैं, और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद प्रधानमंत्री को परिचय कराने का दोनों सदनों में अवसर नहीं दिया गया। उसके नाते प्रधानमंत्री जी ने एक कटाक्ष भी किया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 27 OBC मंत्री बनाए गए, 20 अनुसूचित मंत्री बनाए गए जिसमें ST भी शामिल है, 5 अल्पसंख्यक समाज के मंत्री बनाए गए। निश्चित तौर से जो प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने चरितार्थ किया था। इससे विपक्ष कहीं ना कहीं इसको सदन के अंदर होने नहीं देना चाहता था, तब प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि जितने भी नए मंत्री बने हैं वो पहले अपने क्षेत्र में जाने से पहले कम से कम 5-7 लोकसभा में जा कर के अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, और जो भारत सरकार की योजना है और जो प्रदेश सरकार की योजना है वो निचले स्तर तक जो सरकार की सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इसकी भी चिंता करें। और इसी के तहत मैं लखनऊ से चला था, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या होते हुए बस्तीपुरा, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर होते हुए महाराजगंज, सुनौली और टूटीबारी होते हुए कल पनियाला का भ्रमण करते हुए आज मैं गोरखपुर आया हूँ। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है, उनको सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। निश्चित तौर से भारत सरकार का वित्त मंत्री हूँ, और भारत सरकार का वित्त मंत्री का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन जो भी पूर्वांचल का विषय होगा उस पर हम लोग लग करके कहीं ना कहीं पूर्वांचल के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।